दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी इतनी भारी गिरावट होने के बाद भी अपना 17,000 का लेवल होल्ड करने में कैसे कामयाब रहा, इसके पीछे की वजह थी, इसके पीछे का कारण था, इसका पूरा एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं इंजन के एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इंस्टा ट्रेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में पुट बाय पुट के बाजू में आपको ऑप्शन चेन की एक बटन देखने को मिलती है। इस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अब आपको देखने को मिलता है कि निफ्टी एक तो गिरावट के साथ ओपन हुई थी निफ्टी ने, लेकिन उसके बाद भी जो इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, ये क्लोजिंग जो है आपको ये 17,000 के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का क्या कारण था, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो 17,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको हम यहाँ पर बॉर्डर कर लेते हैं। इसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि 17,000 का जो पुट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट कहलाता है, ये 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ है। इसके साथ ही अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 34.7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम कॉल और पुट का अगर हम यहाँ पर रेशियो देखते हैं तो पुट साइड में समथिंग यहाँ पर 3 टाइम्स ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यही कारण है कि निफ्टी जो है अपने 17,000 का लेवल को संभाल पाने में कामयाब रहा और निफ्टी अपना लेवल ब्रेक नहीं कर पाया। इसके साथ ही जो निफ्टी ने 3 बजे के आसपास इसने जो तेजी बनाई थी, जो 17,100 के आसपास गई थी, लेकिन यहाँ भी तेजी को सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से स्लिप हो गया। इसके पीछे का क्या कारण था, इसको भी हम एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे यहाँ पे 17,100 का हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे कॉल एंड पुट का डेटा देखेंगे। तो पुट साइड का जो डेटा है ये इंडिकेट करता है इसके सपोर्ट को, और कॉल साइड का जो डेटा है ये इंडिकेट करता है रजिस्टेंस को। तो निफ्टी में अगर जो रजिस्टेंस बनता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 73.6 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है तो 73.60 लाख का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहीं पे अगर हम देखते हैं पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो था सिर्फ ओनली 10.10 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था। इस कहने में बात यह आती है कि निफ्टी का जो 17,100 का जो लेवल था, इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनने के कारण यहाँ पे और ज़्यादा इसके अंदर जो शॉर्ट करने वाले थे, कॉल राइटिंग वाले थे, उन्होंने यहाँ पर मंदी की पोजिशन बनाई, उन्होंने यहाँ पर कॉल की राइटिंग की, जिसके कारण हमको इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अब बात आती है कि हम 17,000 का जो पुट ऑप्शन है, इसको अगर हम बाय करते हैं 3 बजे के आसपास, तो हमको इसमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसके LTP के ऊपर हम आ जाते हैं। इसमें हम जो 85.20 है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 17,100 का पुट ऑप्शन का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। अब हम अपना चार्ट जो है इसको लगाएंगे, हम 3 बजे के आसपास हम इस चार्ट को लगा लेते हैं। तो लगभग आपको ये 3 बजे के आसपास का चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा बनता है इसका, ये 53 रुपीज़ पे था ऑप्शन इसका, 53 रुपीज़ से जो इसने हाई लगाया था 5 से 10 मिनट के अंदर, आप देख सकते हैं इसने 107 रुपीज़ का हाई लगा दिया। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा अगर आपको अच्छे से रीड करते हैं, ज़्यादा अच्छे से आप पहचान सकते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, तो आप यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप यहाँ पर बाय ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और बाय ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद निफ्टी का एक लॉट जो है आपको मिलता है, जो था ये 55 रुपीज़ के आसपास में था, ये मिलता 2,750 रुपीज़ का। और जो इसने हाई लगाया था 107, अगर हम इसको 100 ही देखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 5,000 रुपीज़। कहने का मीनिंग ये है कि हमारा जो कैपिटल था ऑलमोस्ट ये डबल हो जाता है, और इसने जो क्लोजिंग दी है ये 85 रुपीज़ के आसपास हमको यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इस प्रकार से आप निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा प्रेडिक्ट करके आप इस प्रकार से भी आप यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज से यह वीडियो बनाया गया है। आप अपने एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर ऑर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ये यहाँ पर हमने हमारे एनालिसिस के आधार पर यहाँ निफ्टी का प्रेडिक्शन किया है और आपके सामने जानकारी बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर में स्टॉक मार्केट से संबंधित ऐसी अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।